अशी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले इलाके में एक 45 वर्षीय महिला पर दो युवकों द्वारा प्राणघाती हमला किए जाने का मामला सामने आया। ये हमला पैसों को लेकर किए जाने की महिला ने जानकारी दी। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक महेंद्र आम्बोरी ने अधिक जानकारी साझा की। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की रात करीब 8 बजे के दरमियान फिरियादी वैशाली गोस्वामी ये मेडिकल से गुलजन दरगाह की ओर जा रही थी, जिस दरमियान दो युवक आए और महिला पर पीछे से प्राणघातक हमला कर दिया। इस संदर्भ में जब पीसीएन न्यूज की टीम ने पीड़ित महिला से बात की तो उन्होंने बताया कि जिस वक्त मैं जा रही थी तब दो अज्ञात आरोपी पीछे से आए और उन्होंने सबसे पहले तो हाथ पर हमला किया और उसके बाद पीठ पर हमला किया और फरार हो गए। वही महिला ने ये हमला पैसों के चक्कर में करने की बात कबूल की। 7:30-8 का टाइम होगा, वो मेडिकल से ही पास में थे, लेकिन मुझे लगा बहुत सारे लोग थे ना आने जाने वाले, कोई गाड़ी से कोई पैदल, वो गली में घुसते बराबर मेरी शॉल खींची और फिर तुरंत उन्होंने हाथ पे वार किया। पहले तो वैसे ही दौड़ी तो मैं गिरी, तो पीछे वार किए। फिर पैसा चाहिए ना बोले, तेरे को गंदा शब्द यूज किए भैया। मैंने हाँ शिकायत दर्ज की हूँ, अगर एक्शन ली होती तो शायद वो ये नहीं करते। उन्होंने जब हमारे घर में घुस के मारे हमको, तभी मैंने शिकायत दर्ज की थी। प्रफुल्ल कोहार, निशु कोहार और जिस दिन मारने के लिए आए थे ना उस दिन लक्ष्मी करोते, सुधीर करोते, ये भी थे। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक महेंद्र आम्बोरी ने अधिक जानकारी साझा की। काल दिनांक 28 रोजी वैशाली गोस्वामी नावाची महिला जे रात्री 8 वाजता मेडिकल कॉलेजकडे काही औषधी आणण्यासाठी गेल्या होत्या, तर परत येत असताना गुंजारीनगर दर्ग्याच्या जवळपास दोन अज्ञात तरुणांनी त्यांच्यावर चाकूसारख्या धारदार वस्त्रांनी हल्ला केला। तर तिथे त्यांनी आरडाओरड केल्याने आजूबाजूचे लोक येऊन आल्याने ते पळून गेले। नंतर आम्ही तात्काळ पोलिसचा स्टाफ घटनास्थळी पोहोचला, सदर महिलेला आम्ही गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये ॲडमिट केलं। महिलेचं बयान घेतलं असता तिने सांगितलं की अनोळखी दोन मुलं होते, कशासाठी त्यांच्यावर हमला केला हे त्यांना माहिती नाही। आणि तात्काळ आम्ही आरोपीची शोधाशोध केली, परंतु सध्या तरी आरोपी निष्पन्न झाले नाहीत। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, वही पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।